मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मेरी जो एसी टेक्नीशियन वाली वीडियो थी उसको इतना सारा प्यार दिया, कई सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफ़ी सारे लोगों ने उसी पे कमेंट किए हुए हैं कि भाई आप एसी टेक्नीशियन हेल्पर के बारे में कुछ बताओ। मैं आपको पहले बताया तो एसी टेक्नीशियन हेल्पर क्या होता है कि अगर आपको बेसिकली एसी टेक्नीशियन का काम नहीं आता है तो आपको उनके साथ में रह करके एज एन हेल्पर काम करना पड़ता है। इसका फ़ायदा दो होता है कि अगर आप उनके साथ में रहते हो तो आपको काम सीखने को मिलता है, ठीक है, और उसके आपको पैसे मिलते हैं, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है एज एन एसी टेक्नीशियन हेल्पर। और कितने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है मैं आपको बता दूँ, ये काम बेसिकली आप 10वीं के बाद कर सकते हो, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको जाननी चाहिए। और कितने तक सैलरी मिल जाता है मैं फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ जो मैंने एसी टेक्नीशियन वाली वीडियो बनाई है उसको भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी आपको और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अभी हम बात करते हैं बेसिकली एसी टेक्नीशियन हेल्पर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप मिनिमम 10th पास हो तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ है आपका मेडिकल परफेक्ट हो, आपके शरीर में किसी प्रकार की भी कमी है, हरदम आप 2 से 3 महीने बाद अपना चेकअप कराते रहो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीमारी बढ़ जाती है बाद में दिक्कत होता है, ठीक है, एक ही बार ठीक नहीं कर सकते, बस ऐसे आप बार बार चेकअप कराते रहोगे तो मेडिसिन लेकर के ठीक कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। सेकंड चीज़ आपका जो वैक्सीन है, वैक्सीन तो भाई जरूरी है, डोज ले लो दोनों, ये चीज़ जरूरी है अभी के टाइम पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थर्ड चीज़, वो है आपके ऊपर किसी टाइप का केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, लीगल बिल्कुल सारी आइडेंटिटी हो, ये चीज़ ध्यान देना, कोई फेक कार्ड वोड मत बनवाना, ये चीज़ आप देखना ध्यान देना, नहीं तो पकड़ जाओगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैठे सैलरी के बारे में, तो अगर हम सैलरी की बात करें तो एज एन हेल्पर आप 40 से 45 हज़ार रुपये कमा सकते हो, अगर आप काम सीख जाते हो कुछ दिनों बाद तो आप महीने के लगभग 50-55 हज़ार रुपये को, लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं एज एन एसी टेक्नीशियन, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, दुबई में डिमांड है या एज अदर कंट्रीज में भी काफ़ी जगह, सऊदी अरबिया, कुवैत, मैंने सऊदी अरबिया भी वीडियो बना रहा हूँ तो इस ये चीज़ें आप ध्यान देना, सऊदी अरबिया के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप दुबई में भी, कुवैत में भी, सिंगापुर में भी, कनाडा में भी, यूएस में भी, इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आप यहाँ भी काम कर सकते हो। फिर मुझे शुरू डाउट तो कमेंट करो, या कोई वीडियो देख लो उसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, वीडियो पसंद है लाइक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।